पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अभी दो दिन पहले राहुल गांधी द्वारा अमेठी छोड़ने की खबरें आने पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री मोहसिन रजा द्वारा अमेठी में चौकीदार के आने से चोर भागने का बयान दिया ही था कि कल उन्होंने प्रियंका गांधी के अयोध्या जाने की खबर पर फिर सीधा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के नेता साइबेरियन पक्षी की तरह हैं जो मौसम के आते ही दिखाई पड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। श्री रजा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी करके कहा है कि फिरोज गांधी की पोती प्रियंका गांधी ना तो भव्य कुंभ में स्नान करने गईं और ना ही उन्होंने बरसाना की होली का आनंद लिया। अब अयोध्या क्या बाबर के निशान तलाशने जा रही हैं? उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें अयोध्या में कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस की सर्वे सर्वा अयोध्या क्या करने जा रही है, जो श्री राम के नहीं हुए वो भला किसी के क्या होंगे। उन्होंने कहा कि कभी ट्रेन से तो कभी जल यात्रा करके उन्हें मोदी जी द्वारा कराया गया विकास तो दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि प्रियंका वाड्रा जी फिरोज जहांगीर की पोती अयोध्या क्यों जा रही हैं? अयोध्या तो श्री राम की जन्मभूमि है और श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के नेता वहां क्या तलाश करने जा रहे हैं? प्रयाग निकल गया, प्रयाग का कुंभ निकल गया, वहां कभी गए नहीं। बरसाना की होली निकल गई, वहां कभी गए नहीं। अयोध्या में दीपोत्सव हुआ इतना बड़ा ऐतिहासिक, उसमें गए नहीं। आज वहां जाकर क्या बताना चाहती हैं? हमें लगता है कि शायद बाबर की याद आ गई है और बाबर के कुछ बचे हुए निशान ढूंढने जा रही, लेकिन उनको हम बता दें कि वहां कोई निशान भी उनका बाकी नहीं है। इसलिए ये साइबेरियन पक्षी हैं, आते जाते रहते हैं, मौसम देखकर निकलते हैं, मौसम के साथ उड़ जाते हैं। तो कांग्रेस के लोगों की प्रवृत्ति जो है वो साइबेरियन पक्षी की तरह हो गई है और मुझे लगता है कि अब इन सब ड्रामेबाजी से कुछ होने वाला है नहीं। और कभी ट्रेन में सफर करना, कभी नाव पर बैठकर इधर उधर जाना, तो ये विकास कार्य तो मोदी जी के जरूर दिखाई देंगे उनको, लेकिन पिकनिक मनाना ये उनकी प्रवृत्ति में है और पिकनिक मनाने के लिए वो लोग जाया आया करते हैं। इसके सिवा और कुछ नहीं है इस दौरे में।